नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। सो भी जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ वो JBT भर्ती से रिलेटेड, बैच वाइज भर्ती से रिलेटेड लेकर आया हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, वो भी परीक्षा ऐप की। तो परीक्षा ऐप को आपको डाउनलोड करना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और इसकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश जीके पावर पैक भी, इसमें करंट अफेयर्स भी है, HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एग्ज़ाम भी है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम भी जो है वो आज अपलोड हो जाएंगे, तो वो भी मिल जाएंगे आपको। HP पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी है, HP अलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम भी है। तो जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस ऐप का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब पे करेंगे तो आपको GK ट्रिक 40 जो है वो कूपन कोड इस्तेमाल करना है, रेफरल कोड इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे आपको 40% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी करिए, परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जो टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट हैं इसके वो उसका लाभ उठाइए। तो आज जो JBT भर्ती से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, JBT की जो बैच वाइज भर्ती है वो आपकी 27 अक्टूबर को होगी काउंसलिंग उसकी, और 17 पदों के लिए काउंसलिंग की तारीख घोषित कर दी गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, JBT के 17 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए बैचवाइज भर्ती की जाएगी। तो जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए, उनके ठीक है उनके लिए जो है JBT भर्ती की वो की जाएगी। ठीक है, इसके लिए उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षण शिमला कार्यालय में 27 अक्टूबर को प्रातः 10:30 बजे से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। तो यहाँ पे जो शिमला में जो है ये प्रारंभिक शिक्षण निदेशालय में जो है ये 27 अक्टूबर को 10:30 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। इसमें JBT के जो है 17 पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित सम्मान्य वर्ग में 9 जो है पद हैं, और जाति वर्ग में 4 हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग में जो है 1 है, और OBC वर्ग में 3 पद बैचवाइज भरे जाएंगे। तो देखिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए है ये, और उनके जो बच्चे हैं उनके लिए, आश्रितों के लिए। ठीक है, काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ दस्तावेजों के लाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा उपनिदेशक भागचंद ने बताया कि JBT अध्यापकों के 17 पद अनुबंध आधार पर भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों से जो पद भर्ती द्वारा भरे जाने संभावित है, अब इन पदों को बैचवाइज भरने के लिए परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो देखिए, जो JBT बैचवाइज भर्ती है वो आपकी भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए जो है वो 27 अक्टूबर को होगी, और वो भी शिमला के शिक्षा निदेशालय में होगी, और 27 अक्टूबर को जो है ये भर्ती होगी 10:30 बजे दिन में सुबह। ठीक है, तो आपको जितने भी दस्तावेज हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, प्लस टू सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट और JBT का सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब बना लेने हैं और इस वीडियो को शेयर कर देना है। और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि लिंक मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और जब अगर आप कोई टेस्ट सीरीज खरीदते हैं तो आपको GK ट्रिक 40 जो है कूपन कोड इस्तेमाल करना है, इसके साथ ही जो है आपको 40% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा यहाँ पर। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक ले जय हिंद।